नमस्कार मित्रों, अभी एक छोटा सा वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड किया है। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा इब्राहिमपट्टनम एक क्षेत्र है, वहां पर 25 लाख टीआरएस के कार्यकर्ताओं का एक सभा का आयोजन किया गया है। ठीक है, हर पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन बताती है, लेकिन टीआरएस पार्टी की कुछ बात ही और है। टीआरएस पार्टी का अगर कोई सभा लगाना है तो पहले उनको शराब पिलाना, बिरयानी खिलाना, पैसे देना, उसके बाद में ही सभा में लोग आते हैं। ये टीआरएस पार्टी का नियम बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी बार बार फोकस करते हैं कि बंगारू तेलंगाना हम बनाएंगे, यानी सोने का तेलंगाना बनाएंगे। सोने का तेलंगाना यानी बंगारू तेलंगाना तो नहीं हुआ, लेकिन मत्तू तेलंगाना यानी शराब का एक तेलंगाना। शराब ज्यादा बिक्री कहां पर ज्यादा होती है तो तेलंगाना का एक नाम आता है। ज्यादातर शराब लोग कहां पीते हैं तो तेलंगाना का नाम आता है। और आज मुख्यमंत्री जी की सभा में यानी टीआरएस पार्टी की सभा में जब 25 लाख लोग उस सभा में जाएंगे तो उसमें माताएं, बहनें और बच्चे भी जाएंगे। जितने भी जो आज लोग शराब पीकर उस सभा में जा रहे, अगर कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है, को देखो शराब पीने के बाद में आदमी कंट्रोल में नहीं रहता है, आप सबको पता। अगर कुछ ना कुछ अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन होगा? मुख्यमंत्री जी, क्या आप इस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं का आप निर्माण कर रहे हैं क्या? शराबी कार्यकर्ताओं का क्या आप निर्माण कर रहे हैं क्या? मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, देखिए आपके कार्यकर्ता सरकारी बस में जो आपकी सभा में आ रहे, किस प्रकार से खुलेआम शराब पीकर आपकी सभा में आ रहे, ये आप देख सकते हैं। और आपकी पार्टी में कैसे कार्यकर्ताओं का निर्माण हो रहा है ये आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, हमें बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री की पार्टी कार्यकर्ता इस तरह की शराब पीकर खुलेआम सरकारी बस में घूमते हैं, सरकारी बस में बैठकर और एक पार्टी के एक कार्यक्रम में जाते हैं। हमें ये देखकर बहुत ही शर्म महसूस हो रही है। नमस्कार मित्रों, अभी एक छोटा सा वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड किया है। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा इब्राहिमपट्टनम एक क्षेत्र है, वहां पर 25 लाख टीआरएस के कार्यकर्ताओं का एक सभा का आयोजन किया गया है। ठीक है, हर पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन बताती है, लेकिन टीआरएस पार्टी की कुछ बात ही और है। टीआरएस पार्टी का अगर कोई सभा लगाना है तो पहले उनको शराब पिलाना, बिरयानी खिलाना, पैसे देना, उसके बाद में ही सभा में लोग आते हैं। ये टीआरएस पार्टी का नियम बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी बार बार फोकस करते हैं कि बंगारू तेलंगाना हम बनाएंगे, यानी सोने का तेलंगाना बनाएंगे। सोने का तेलंगाना यानी बंगारू तेलंगाना तो नहीं हुआ, लेकिन मत्तू तेलंगाना यानी शराब का एक तेलंगाना। शराब ज्यादा बिक्री कहां पर ज्यादा होती है तो तेलंगाना का एक नाम आता है। ज्यादातर शराब लोग कहां पीते हैं तो तेलंगाना का नाम आता है। और आज मुख्यमंत्री जी की सभा में यानी टीआरएस पार्टी की सभा में जब 25 लाख लोग उस सभा में जाएंगे तो उसमें माताएं, बहनें और बच्चे भी जाएंगे। जितने भी जो आज लोग शराब पीकर उस सभा में जा रहे, अगर कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है, को देखो शराब पीने के बाद में आदमी कंट्रोल में नहीं रहता है, आप सबको पता। अगर कुछ ना कुछ अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन होगा? मुख्यमंत्री जी, क्या आप इस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं का आप निर्माण कर रहे हैं क्या? शराबी कार्यकर्ताओं का क्या आप निर्माण कर रहे हैं क्या? मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, देखिए आपके कार्यकर्ता सरकारी बस में जो आपकी सभा में आ रहे, किस प्रकार से खुलेआम शराब पीकर आपकी सभा में आ रहे, ये आप देख सकते हैं। और आपकी पार्टी में कैसे कार्यकर्ताओं का निर्माण हो रहा है ये आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, हमें बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री की पार्टी कार्यकर्ता इस तरह की शराब पीकर खुलेआम सरकारी बस में घूमते हैं, सरकारी बस में बैठकर और एक पार्टी के एक कार्यक्रम में जाते हैं। हमें ये देखकर बहुत ही शर्म महसूस हो रही है।